ज्येष्ठ मास महात्म्य 13वां अध्याय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृत्तांत भगवान विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ, तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो, सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलान्वित होकर सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्यकारिणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवन, कपिल मुनि कहाँ पर है? तब श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूगृह बना रखा है, उसी भूगृह में ध्यानावस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए, परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यानमग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधिपूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए, परंतु मन में फिर भी शंका बनी ही रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबने राजा से आकर कहा कि राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया तथा कौन हरकर ले गया, हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञ अश्व की खोज में दशों दिशाओं को गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को गए, इसके पश्चात नक्षत्रलोक गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह में और दूसरों के गृह तथा नगर में अटारी, समस्त शाला, वन, उपवन, दिक्पालों के लोक, तदनंतर ब्रह्मलोक, कैलास, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्वलोक, यज्ञलोक, तदनंतर विष्णुलोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं भी पता नहीं लगा। फिर वह पाताल के लोक में गए और सात पातालों को देखा। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सबके सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा चुराया है और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह कहकर उन शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया।
तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही वे सगर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए।